हेलो एवरीवन, आज मैं थोड़े नाल शेयर करूँगी गोंद कतीरे ते शेक। गोंद कतीरा बहुत हेल्दी हुंदा, सानू गर्मियों में यूज़ करना चाहिए। ये बॉडी नू बहुत ठंडक दिंदा, ये लू लगन तो बचाउंदा। चलो हुण आपां शेक बनाउणा स्टार्ट करदे हां। मैं तुहानू दसूंगी कि तुसीं किवें शेक रेडी करना ते कदों इहनू यूज़ करना। गोंद कतीरा शेक बनाउण लई मैं 2 कौलियां विच 1-1 चम्मच गोंद कतीरे दा लिया। मैं गोंद कतीरा लिया, गोंद नहीं ली। गोंद की तसीर गर्म होंगी है, वो आप सर्दी में यूज करते हैं। ये गोंद कतीरा है, इसकी तसीर ठंडी होंगी है, इसनों गर्मियों में यूज करीदा। इसनों तुसी किसी भी शेक नींबू पानी में यूज कर सकते हो। यह सानू लू लगन तो बचाता है। इसनों ना हुण मैं पानी में भिओ के रखूंगी। तो एक तो मैं ऐदा ही जिमें है क्रिस्टल ऐदा ही भिगो लेना, एक दा मैं जार विच पा के पाउडर बना लेना। हाँ तुसीं देखो 1 चम्मच गोंद कतीरे दे क्रिस्टल दा मैं पाउडर बना लिया, थोड़ा दरदरा जिहा पाउडर बना लिया। इसनों पाउडर की फॉर्म च भिगो के रखूंगी, इसनों एवें क्रिस्टल दे वांग ही भिगो देना। हुण इस विच मैं 1/2 कप पानी का पाऊंगी। इस विच मैं 1/2 कप पानी का पाता, पानी पा के इसनों मैं भिओ के रख देना। ये पाउडर मैं ता बनाया, जिहड़ा आपां पाउडर बनाउंदे ना जल्दी फुल जांदा, जिहड़े क्रिस्टल होंदे ने उन्हां नूं थोड़ा जिहा टाइम लगदा। मैं तुहानूं दोनों दिखाऊंगी कि किवें किवें भिउंदे जांदे। आ तुसीं देखो जिहड़ा पाउडर बनाया इहदे विच मैं हुणी पानी पाया, देखो फुल गया। क्रिस्टल नूं थोड़ा फुल्लण नूं टाइम लगदा, उन्हां नूं आपां 4-5 घंटे भिओ के रखणा हुंदा। इहनूं आपां 2 घंटे भिओ के वी यूज़ कर सकदे हां पाउडर दी फॉर्म विच। इस विच मैं थोड़ा जिहा पानी होर ऐड करूंगी। हुण इस विच वी मैं पानी ऐड कर देना, 1/2 कप पानी दा ऐड कर देना। इन्हां नूं फुल्लण नूं थोड़ा टाइम लगेगा। हुण इन्हां दोनों नूं पानी विच भिओ के मैं 2-3 घंटे लई फ्रिज विच रख देना, पर क्रिस्टल नूं 4-5 घंटे लगणगे फुल्लण नूं। हुण इन्हां नूं फ्रिज विच रख देना, फिर आपां उस तों बाद शेक रेडी करांगे। फिर मैं तुहानूं दस्सूंगी कि किहड़े किहड़े आपां इस नाल ड्रिंक्स रेडी कर सकदे हां। तुसीं देखो अपने गोंद कतीरे नूं भिंते 5-6 घंटे हो चुके ने। आ वाला गोंद कतीरा वह है जिसका आप बिल्कुल पाउडर बना के भिउंता सीगा, ये बहुत जल्दी भिज गया। आ वाला गोंद कतीरा है जिहड़ा कि आप क्रिस्टल विच भिउंता सी। दोनों तुसीं देखो एवें हो गए जिवें कि ना मिश्री हुंदी है, मिश्री बन गई बिल्कुल। हुण आपां इसका शेक रेडी करांगे। मैं तुहानूं दस्सदी हां किवें किवें आपां इसके शेक रेडी करने ने ते आपां इह शेक कदों कदों यूज करने ने। हुण आपां इक गलास लवांगे। ग्लास विच तुसी दोनों विचों कोई भी यूज कर सकते हो, जिहड़ा भी भिउंता है क्रिस्टल वाला कर लो भावें पाउडर वाला कर लो। हुण इक गलास विच मैं 2 चम्मच गोंद कतीरे दे पाऊंगी, ठीक है। शुगर दा पाऊंगी, शुगर मैं पाउडर शुगर लई है, तुसी शुगर घट वध भी ऐड कर सकते हो। हाँ देखो मैं 2 चम्मच शुगर दे ऐड कीते ने। हुण मैं एक मैंगो पल्प रेडी करके रखे, इस विच मैं मैंगो पल्प पाऊंगी। हुण मैं इस विच दुध ऐड करूंगी। दुध मेरा बिल्कुल चिल्ड है, बहुत ठंडा दुध यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि आपां शेक रेडी कर लें। हुण इसनूं अच्छी तरह मिक्स करना। तुसी ये प्रोसैस मिक्सी के जार विच भी कर सकते हो, चमचे नाल अच्छी तरह हिला के भी कर सकते हो। ये बहुत हेल्दी ड्रिंक रेडी हो रही है। तुसी इसनों मॉर्निंग विच यूज़ करना, ब्रेकफास्ट विच यूज़ कर लो, पर इसनों शाम नूं नहीं गूंद कतीरे नूं पीदा। मॉर्निंग पी लो, खाली पेट पी लो, भावें सवेरे ब्रेकफास्ट विच पी लो, 11-12 बजे पी लो। 2 बजे तो बाद ना गोंद कतीरा, पता नहीं पुराने बुजुर्ग कहते सी कि सानू शाम नू गोंद कतीरे की वरतों नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हेल्दी ड्रिंक बन के रेडी हो रहे। देखो तुसी इस विच आइस क्यूब भी पा सकते हो, पर मैं आइस क्यूब नहीं पा रही क्योंकि मेरा दुध बहुत ठंडा है। बहुत हेल्दी ड्रिंक, बहुत हेल्दी शेक अपना बन के रेडी हो गया। ये अपना एक शेक रेडी हो गया। हुण आपां एक होर शेक रेडी करांगे।
हूँ मैं एक ग्लास लूंगी, इस विच दो चम्मच गूंद कतीरे दे पाऊंगी। दो चम्मच गूंद कतीरे दे पाके इस विच हूँ मैं एक चम्मच रूह अफ़ज़ा ऐड करूंगी। दो चम्मच में स्विच पाउडर शुगर यूज करूंगी। तुसी नहीं यूज करना चाहते शुगर तो ना यूज करो, तुसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घट वध कर सकते हो। हुण मैं स्विच ठंडा दूध ऐड करूंगी, आइस क्यूब ऐड कर सकते हो, ये तुहाडी चॉइस है कि तुसी की ऐड करना। ठंडा दूध पर पीना ही गूंद कतीरा ठंडे दूध विच ही है, गर्म दूध विच गूंद कतीरा नहीं ऐड करना, ठंडे दुद्ध विच ही पियो। देखो आप अलग अलग फ्लेवर विच गूंद पतीरे दे शेक रेडी करांगे, किसी नू कोई पसंद है किसी नू कोई पसंद है। तुसी बच्चियां नू दे सकते हो, बच्चियां नू मैंगो वाला पसंद है, बच्चियां नू रूह अफ़ज़ा वाला पसंद है। हुण आपां इक होर शेक रेडी करांगे, इस विच दो चम्मच आपां गूंद पतीरे दे पावांगे। दो चम्मच मैं पाउडर शुगर दे पाऊंगी। यहाँ देखो मैं ना प्लेन वाली चॉकलेट ली है, इसमें मेल्ट कर लिया, मैं इसको शेक भी ऐड करूंगी। बच्चे कई बार पता नहीं केड़ा फ्लेवर पीते हैं, मैंगो वाला पीते हैं, रूह अफ़ज़ा वाला, बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होंगी है, तो चॉकलेट वाला शेक बच्चों को रेडी करके दे सकते हैं। ठंडा दूध यूज कर रही हूँ, आइस क्यूब तुसी पा सकते हो। अब तुसी देखो अपना चॉकलेट शेक बनके रेडी हो गया, बच्चों को चॉकलेट शेक बहुत पसंद आएगा, बच्चे चॉकलेट को बड़ी खुश होकर खाते हैं। तुसी इन्हां विचों जिहड़ा भी शेक बच्चों को पसंद आने वाला तुसी वह बच्चों को दे सकते हो। एक गिलास विच मैं दो चम्मच गूंद कतीरे दे पाऊंगी। दो चम्मच मैं पाउडर शुगर दे पा लूंगी। इस विच मैं कुछ नहीं ऐड करना, सिंपल ठंडा दूध ऐड कर देना। अच्छी तरह मिक्स कर लेना, एक पसंद है तुसी शेक यूज कर सकते हो। शेक अपने बनके रेडी हो चुके ने, तुसी अपना कोई भी मनपसंद शेक रेडी करके पी सकते हो। हुण आपां मैंगो वाले नूं थोड़ा डेकोरेट करांगे, इस उपर मैं एक मैंगो पल पाऊंगी, थोड़ी जी आपां इसके उपर चेरी पा देंगे। आपां रूह अफ़ज़ा वाले पर थोड़ा जिहा रूह अफ़ज़ा पा देंगे, इसको भी थोड़ा जिहा डेकोरेट कर लेंगे, इसके उपर थोड़ी जी आपां चेरी पा लेंगे। ठीक है, चॉकलेट वाला आपां तुसीं चाहो तो चॉकलेट वाला सिरप उपर पा सकते हो, ये तुहाडी चॉइस है। हुण आपां अपने प्लेन नूं थोड़ा डेकोरेट कर लेना, इसके उपर मैं चेरी पा लेनी है। तुसीं ड्राई फ्रूट भी पा सकते हो, उस विच बदाम पिस्ता कट के सीन ड्राई फ्रूट्स के फ्लेक्स भी इस ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स देखो अपने चारों शेक बन के रेडी हो गए, ये बहुत हेल्दी शेक ने, तुसी इन्हां नूं ब्रेकफास्ट विच जां मॉर्निंग विच यूज़ कर सकते हो। गूंद कतीरे की तसीर भी ठंडी होंदी है, दुध भी आपां ठंडा यूज़ किया, ये गर्मियों के बहुत हेल्दी शेक ने, दुध भी अपना कंप्लीट फूड हुंदा, गूंद कतीरा भी ठंडक दिंदा। मैं उम्मीद करनी हूँ कि तुहानू ये सारे शेक बहुत पसंद आएंगे,
पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।